नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज पे और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। आपका स्वागत करते हैं हमारे खास प्रोग्राम जहां बात करेंगे पाक पर मंडराता अंधेरा। कहते हैं कि किसी देश की सत्ता पर काबिज होना उस मुल्क की शान नहीं बढ़ाता है, बल्कि किसी भी मुल्क की शान तब बढ़ती है जब अपने देश की आवाम को ठीक उस तरह पाले जैसे एक माँ अपने बच्चे की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ती। तभी वह मुल्क वहां की आवाम खुश और दुनिया में अपने मुल्क की शान बढ़ा सकता है। दरअसल आज हमें इस विषय पर बात करने की जरूरत क्यों पड़ी है वो हम आपको बताते हैं। बीते कई सालों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से बिगड़ रही है वो दिन पर दिन और खराब होती जा रही है। आटा खत्म है, पेट्रोल की किल्लत ने न सिर्फ आवाम के बुरे हालात को खड़ा किया है बल्कि अर्थव्यवस्था के ढांचे तक को गिरा दिया है। पाकिस्तान में बिजली बनाने से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार पेट्रोल है और इस वजह से ही पाकिस्तान में बीते दिनों बिजली के संकट को झेलना पड़ा है। जहां पाकिस्तान के 90% भाग अंधेरे में डूबा है, वहीं नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी से कराची शहर में बिजली की दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी भी की गई है। अगर यूनिट के आंकड़ों को समझा जाए तो भारत की तुलना में करीब 4 गुना अधिक कीमत बिजली के लिए पाकिस्तान की आवाम को चुकानी पड़ रही है। भारत में रेजिडेंशियल बिजली के बिल की औसत दर अगर देखें तो 6 से 9 रुपए प्रति यूनिट है। वहीं कमर्शियली इस्तेमाल के लिए बिजली की दर औसतन 10 से 20 प्रति यूनिट है। सीईआईसी की के वेबसाइट पर जो पाकिस्तान के गोल्ड रिजर्व डाटा नजर डाले तो बीते साल नवंबर 2022 तक देश के स्वर्ण भंडार यानी कि 3.645 अरब डॉलर का था, जो इससे पहले जुलाई यानी कि 2020 में जो आंकड़े थे वो 4.83 अरब डॉलर था। अगर दोनों की तुलना करी जाए तो इस अवधि में गोल्ड रिजर्व में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो आप लगातार जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से हर चीज की किल्लत दिखती हुई नजर आ रही है, चाहे वो पेट्रोल को लेकर के हो। पेट्रोल की कीमतों में जिस तरीके से लगातार इजाफा हुआ है, लोगों को पेट्रोल खरीदने के लिए अगर वहां के पेट्रोल के दामों की बात करें तो आपको बता दें 223 रुपए लीटर वहां पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल में की लाइनें इतनी बढ़ गई हैं, वहां इतनी भीड़ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोगों को पेट्रोल तक नहीं मिल रहा है। और इसी के साथ में आम जनता तो उन चीजों को खरीद ही नहीं पा रही है। दूसरी तस्वीरों में देखें कि आटा खरीदने को लेकर के किस तरीके से वहां मारा मारी हो रही है। अगर आटों के दाम बताए जाए तो लगभग वहां पे आटा जो है 2050 रुपए किलो के हिसाब से वहां पर आटा बिक रहा है और उस आटे को अगर सोचे तो आम जनता वहां की तो इसको खा ही नहीं सकती है। और तीसरी तस्वीर अगर आप देखें तो जिस तरीके से अभी हाल ही में वहां पावर पॉइंट जो है बिजली का वो हो गया था, खत्म हो गया था, और जिस तरीके से ब्लैकआउट पूरे पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान के राजधानी सहित लाहौर सहित कराची से समेत 90% पाकिस्तान का आधा हिस्सा जो था पूरा अंधेरे में था। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। पाक पर मंडराता अंधेरा क्या जल्द पाक को बर्बाद करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आए दिन उगते सूरज के साथ पाकिस्तान के सामने हजारों मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं, वो तो इस बात को ही इशारा कर रही हैं कि अब वहां की आवाम को इसके का खामियाजा कितना भुगतना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी कि वहां की आवाम का क्या कुछ कहना है इसको लेके। मैं अपने मरीज को यहाँ पर लेकर आया हूँ सिविल हॉस्पिटल में, यहाँ पर भी मेरे को बहुत सामना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है लाइट का, के मरीज को बाहर ले लेकर आना पड़ रहा है। कोई भी इसमें डिपार्ट होते हैं एक्सरे के, इसके उसके, मकसद लाइट नहीं है तो परेशानी हो रही है मेरे को। 3 दिन से चक्कर लगा रहे कि चीनी दे दे, घी दे दे, मगर ये कह रहे कि नहीं है। कभी कह रहे 2 घंटे के बाद आ जाओ, कभी कह रहे 3 बजे आ जाओ। जब 3 बजे आते कहते यार टाइम खत्म हो गया, कोई चीज ही नहीं है। यहाँ दुकानदार आते हैं तो उनको जो है ना बोरी हम भर भर के दे देते, और यहाँ जो कस्टमर आते हैं इनका उनको कुछ भी नहीं दे रहे। तो हम लोग यही परेशानी है कि हम तो चाहते थे कि कोई हुकूमत सही आ जाएगा, मगर ये इसका हुकूमत आया, इसने तो बिल्कुल मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इसने तो सरकारी जो गवर्नमेंट के स्टोर थे उनको भी जो है ना इन्होंने बता दिया कि किसी को कुछ देना नहीं है, सिर्फ यही कहना है कि शाबाश शरीफ जिंदाबाद, शाबाश शरीफ जिंदाबाद। बिजली ना आने का मसला, पेट्रोल ना होना, एनर्जी ना होना, एनर्जी की भी मैनेजमेंट, और सबसे जो बड़ी बात है इस गवर्नमेंट का झूठ बोलना। मैंने सुबह सुना है दस्तगीर जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर हैं
नहीं गुलाम दस्तगीर के बेटे जो हैं खुरब दस्तगीर, वो फरमा रहे थे कि जी कोई फ्रीक्वेंसी कोई डिसऑर्डर हुआ है, कोई इसका हमने थोड़ी एनर्जी पैदा करने के लिए कम प्लांट चलाए थे, उस वजह से आया जी फ्रेंसी टर्बुलेंस आई है जिसकी वजह से ये अब ये एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी का जो था टर्बुलेंस था वो तो 15-20 मिनट में ठीक हो सकता है। अब ये झूठ बोलना, इनके पास बात ये है कि टोटल जो $4 अरब बाकी बचे हैं, अब पैसे पेमेंट के लिए पैसे नहीं है। मेन मसला है कि जो फॉरेन रिजर्व इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, पाकिस्तान अवाम के साथ झूठ बोला है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, स्पीड आ गया जी वो आ गया। ये स्पीड ने जो पाकिस्तान के गरीब गुरबा का हाल किया है आप देख सकती हैं। मैं अभी पेट्रोल डलवाने गया था तो मुझे पेट्रोल पंप वाले ने कहा जी 2000 से ज़्यादा का पेट्रोल मैं नहीं दे सकता। इसका नजर आ रहा है कि सच बोले कौम के साथ हमारे पास पेट्रोल, जैसा कि ख्वाजा आसफ अब देखिए वजीर दफा है वो आके बात कर रहा है जी हमारे पास एनर्जी नहीं है, दुकानें बंद करें ये करें वगैरह, सारा पाकिस्तान ब्लैकआउट हो जाएगा। इनफैक्ट जो उन्होंने 10 दिन पहले बात की थी आज वो सच साबित हो गई। कर्ज लेके कर्ज उतारना ये कहाँ का इंसाफ है भाई? मैंने आपसे 1000 रुपया लिया है, मैं अगर 30 तारीख तक नहीं दे सकूंगा तो मैं दूसरे बंदे से 1000 लेके आपको दूंगा? ये तो कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान का अगर कर्ज उतारना है तो एक्सपोर्ट बढ़ाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या किया? एक मैयर मुझे आगे बता दे कि पाकिस्तान, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए चाहिए कंपेटेटिव प्राइस, चाहिए कंपेटेटिव प्राइस कौन सी हमारी इंडस्ट्री, जबकि 70 रुपये पर यूनिट अगर बिजली की प्राइस पे कर रहा है कोई टेक्सटाइल मिल वाला तो कंपेटेटिव प्राइस में तो पीछे चला गया, इसलिए बांग्लादेश कहाँ चला गया, इंडिया कहाँ चला गया? हमारी टोटल उतना बजट नहीं है, इंडिया के रिजर्व है उतने, हमारा कल पता चल रहा था $73 अरब हो गया। हम $1 अरब के लिए अब पैसे एक हमने लेना है IMF से $2 अरब से, तो $2 अरब के मतलब के कौम को जीवा कर दे भाई। जिनके पास लैंड क्रूजर हैं बड़ी गाड़ियां हैं उनके ऊपर टैक्स लग, भाई इंडिया की तो हम बात ही नहीं करते। हमने सऊदी अरब, UAE ने इनकार कर दिया, कहाँ किया? अभी हमारा वजीर आजम क्या सऊदीया नहीं गया, UAE नहीं गया, उन्होंने कुछ दिया? 1 रुपया नहीं दिया, अब दिया तो आप समझ जाना चाहिए कि हमें किसी ने मदद नहीं करनी, हमें अपनी वेल्थ क्रिएशन खुद करनी है, हमें खुद टैक्स देने हैं, जो इनको टैक्स के बदले फैसिलिटीज दें। अब देखो पार्किंग की जगह पे सारे फटे लगे हुए हैं, तो ये कोई हल नहीं है। हल ये है कि सस्ती बिजली दी जाए आवाम को, टेक्सटाइल मिलों वालों को, ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके। जब तक एक्सपोर्ट आपकी नहीं राइज होगी आपका मुल्क का कर्जा, ये कोई सलूशन नहीं है कि एक हाथ से कर्जा ले लो। अभी जो आप बात कर रही हैं $4.5 अरब वो हमारे हैं कोई नहीं। वो तो $3 अरब सऊदी के हैं, हमें वो दिया खर्चा कहाँ गया? वो कर्जा उतारने पर दे दिया, जो कर्जा एक हाथ से लेते हैं वो कर्जा उतारने के। तो जिस तरीके से आपने सुना कि वहां के आवाम का क्या कुछ कहना है, और इसी को लेकर के पाकिस्तान जिस तरीके से आर्थिक संकट की कसौटी से गुजर रहा है ये सब हम जानते हैं। वहां खाने के लाले पड़े हुए हैं, $100 अरब से ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। अब पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का क्या कुछ कहना है, वहां के हालात इतने बेकार हो गए हैं कि कोई मदद के लिए तैयार नहीं है, ये इमरान खान का कहना है। इमरान ने तो ये तक कह डाला है कि सत्ता पर काबिज सरकार केवल अपने खजाने को भर रही है। आइए आपको सुनाते हैं एक बार क्या कुछ कह रहे हैं वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। सालों के इक्तदार में पहले हिंदुस्तान आगे गया पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश आगे निकल गया पाकिस्तान से। आप सबको पता होना चाहिए कि डॉक्टर इशरत हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि 90 की दिहाई तक पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे बरे सगीर में सबसे आगे थे। जब से ये दो खानदान आए हैं इनकी दौलत में मुसलसल इजाफा होता गया, ये पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदान बन गए हैं और इनका पैसा बाहर पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डूबता डूबता गिरता गिरता आज इधर पहुंच गया है कि हमारे पास इस मुल्क की तारीख के सबसे कम रिजर्व्स रह गए हैं। हम उधर खड़े हैं जिधर आज दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि पाकिस्तान में श्रीलंका का सिचुएशन आने लगा है। हमारे आज वो हाल है, आज बिजनेस कम्युनिटी से पूछें कि आज पाकिस्तान किधर खड़ा है, इस मुल्क की तारीख में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि हम इतना नीचे जा सकते हैं। आज हमारे पास LCs खोलने के पैसे नहीं है, और खौफ यह है कि जिस तरह श्रीलंका में आखिर में तेल के लिए पैसे नहीं बचेंगे,
जब तक कि कोई पैसा ना दे। और पैसा किसने अब देना है? कोई बाहर से पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास कोई अब कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को लेंड करने के लिए नहीं तैयार, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क रेशियो है वो 5% था जब अप्रैल में, आज वो तकरीबन 90% पहुंच गया। यानी लोगों को अब कोई इतमाद नहीं कि पाकिस्तान को अगर पैसे दे वो वापस करेगा। और IMF अब पैसे तब देगा जब हम उनकी शरायत माने। उनकी शरायत अब ये है कि हर चीज अब महंगी होने लगी है। अगर हम शरायत मानते हैं तो अगर आज 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है तो उनकी शरायत मांगेंगे तो ये मजीद और महंगाई 50% और बढ़ जाएगी। हर चीज महंगी होगी क्योंकि रुपया गिरेगा। अब आवाम परेशान है, सूरत हाल जो बता रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं। कर्ज की बाढ़ में बहते हुए पाकिस्तान की कश्ती को बचाने के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्या कुछ कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुल्क को बचाने के लिए सियासी दौलत से जो उनकी कमाई है वो सब लगा देंगे। UAE से इसको लेकर के वो कर्ज भी मांग रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि पाक सरकार अब क्या कुछ कह रही है और ठीक करने की क्या क्या रिवायतें दे रही है। कमिटमेंट एट माई अथॉरिटी, पूरी ईमानदारी के साथ कि PMLN और हमारी जो मखलूत हुकूमत है कि मैं बतौर इस हुकूमत के वजीर आजम के मैं अपनी सारी की सारी सियासी जो कमाई है मैं कुर्बान कर दूंगा पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, मेरे लीडर नवाज शरीफ, मेरी पार्टी ने 3 मरतबा मुझे पंजाब का वजीर आला मंतखब करवाया। आज मैं यहाँ पर वजीर आजम हूँ तो क्या मैं लेगेसी छोड़ के जाऊँगा? ये हुकूमत क्या लेगेसी छोड़ के जाएगी कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात थी उसकी जो भी वजूहत थी, पाकिस्तान के लिए बड़े चैलेंजेस थे उसके जो भी वजूहत थे, कोई शॉर्ट टर्म है, कोई मीडियम टर्म है, कोई लॉन्ग टर्म है, उसमें जाए बगैर तो हमने अगर ये जिम्मेदारी कबूल की है तो उसको निभाने के लिए आखिरी हद तक कोशिश करना ये हमारा ना सिर्फ फर्ज है बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर एक सियासतदान के, बतौर एक मुसलमान के, बाकी सब अल्लाह ताला। मैं अभी 2 दिन पहले UAE से होके आया हूं, वहां पर UAE के जो सदर हैं मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। मैं अभी 2 दिन पहले UAE से होके आया हूँ, वहां पर UAE के जो सदर हैं मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। तो जिस तरीके से आपने वहां के प्रधानमंत्री को सुना कि शहबाज क्या कुछ कह रहे हैं, इसी में आपको बता दें कि पाक की जो वर्तमान सरकार सब कुछ ठीक करने के जहां एक और इतनी रिवायतें दे रही है, कर्ज के लेने की बात कह रही है, उसी बीच उसने अब इस आर्थिक संकट से उभरने के लिए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से 10 से 15% वेतन काटने तक की भी बात कह दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से गुजरते वक्त के साथ पाकिस्तान जो के जो सूरत हाल है वो यह साफ जाहिर कर रहे हैं कि अगर इस मसले का हल पाक सरकार ने नहीं निकाला तो आने वाले वक्त में कहीं वो दिवालिया ना घोषित हो जाए। लेकिन इन सबके बीच पाक के मौजूदा हालात यही सबक सिखाते हैं और यही सबक देते हैं। सत्ता को हासिल करना ही मुल्क की सबसे बड़ी ताकत नहीं, उस देश की तरबियत इतनी नवाबी से की जाए कि कोई दूसरा मुल्क उस पर सवाल ना खड़े कर सके, जो आज पूरी दुनिया पाक की मुस्तकबिल पर चर्चा कर रही है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।